अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में ये देखिए वास्कोट डिज़ाइन वाला है। तो जैसे कोट के नीचे जो वास्कोट पहनते हैं ना, छोटा सा वास्कोट रहती है वही बनेगी, लेकिन आगे का गला कुछ इस तरह गोल रहेगी ताकि टाई ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। तो उसी का हम कटिंग दिखाने जा रहे हैं। तो हम इसका लेंथ है 25.5 इंची लेंथ है वास्कोट का। और चेस्ट है पूरा लूजिंग के साथ मैं नापा हूँ, 3 इंची लूजिंग दिया हूँ, 42 इंची चेस्ट है लूजिंग के साथ और 39 इंची बेस्ट है, 40 इंची हिप है, ठीक है, और 15.5 इंची शोल्डर है। तो सबसे पहले हम एक सीधा मार्क लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हम सीधा मार्क लगा लेंगे। सारे 25 इंच लेंथ था, हम इसको 26 इंच पे कट करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच का, और उसके बाद बयालीस इंची है तो इसका 38 इंची, 38.5 इंची चेस्ट है कम से कम, तो हम इसको 9.25 इंच पे मार्क लगाएंगे, 9.25 इंच 9 इंच पे हम मार्क लगाएंगे, और उसके बाद 15.5 इंची कमर के लिए मार्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से साढ़े 3 इंच पे मार्क लगाएंगे, तो टोटल हमारा ये 26 इंची हो गई है, ठीक है, और ये 9 इंच पे लगा दिया, ये 15.5 इंच पे लगाया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 3 इंच का मार्क लगाएंगे, 3 इंच यहाँ पे मार्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2.5 इंच के मार्क लाएंगे, यहाँ पे भी 2.5 इंच का मार्क लाएंगे और ये सब कुछ सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है। और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो 42 इंच चेस्ट है तो चेस्ट का मार्क यहाँ से लेंगे और शोल्डर का मार्क यहाँ से लेंगे। तो शोल्डर 15.5 इंच है, 15.5 इंच है, तो ये 16 इंच पे मार्क लाएंगे, ठीक है। चेस्ट है 42 इंच, तो ये देखिए 42 है, तो कम से कम हम इसमें 1.25 इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी 11.25 इंच पे मार्क लाएंगे। उसके बाद 39 इंच हिप है, तो 39 का 10.25 और ये 1.25 इंच ज़्यादा रहेगी, हिप 40 इंच है, ठीक है, तो ये 40 इंच और यहाँ पे 1.25 इंच ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 इंची या 1.5 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से 6 इंची रखेंगे, तो
हम पहले नीचे का मार्क लगाएंगे, यहाँ से इस तरह रहेगी। तो कम से कम इसका सीन 38 इंची रहा होगा, क्योंकि मैं लूजिंग में ना पाऊँ तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, तो 38 के हिसाब से ही हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। और इसमें 1.25 इंची डाउन कर देंगे, 1.25 इंची 1.5 इंची डाउन कर देंगे यहाँ से, ये जो मार्क लगाया है। तो ये हमारा 20 सेंटर हो गया, 20 सेंटर से हम यहाँ नापेंगे, तो कम से कम यहाँ से हम देंगे 3.25। तो इस तरह हम इसको मार्क लगा लेंगे। और यहाँ से इस तरह मार्क लगा लेंगे, यहाँ से इस तरह, और यहाँ से इस तरह मार्क लगा लेंगे। ठीक है, कम से कम वही 11 इंची रखेंगे, गले की गोलाई 11 इंची रखेंगे। मैं जो काम कर रहा हूँ फोटो देख देख के काम कर रहा हूँ, फोटो के हिसाब से काम कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ से यहाँ पे देख लेंगे, हमारा मार्जिन है 1.25 इंची, आधा इंच एक एक पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क रखेंगे। और यहाँ से इस तरह सीधा मार्क लगाएंगे, और यहाँ से इस तरह सीधा मार्क लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस तरह गोलाई कर लेंगे, इस सामने का इस तरह गोलाई हो जाएगी। और उसके बाद आर्मोल की गोलाई इस तरह दे देंगे, और इतना मार्जिन रख करके हम इसको कट करेंगे। और इसमें 3 बटन रहेगी, तो 3 बटन, एक बटन हो गए, और ये 9 इंची पे, और इसके बीच में 4.5 इंची पे, ये जो रहेगा हमारा फॉल्स पट्टी रहेगा, ऐसे चढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों के बीच में एक टक से यहाँ पे, तो ये दोनों को बीच में रख करके 4.5 इंची आ रही है, इस तरह फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद एक डार्ट के लिए मार्क लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारा लेंथ है 25 इंची, तो इसका तिहाई करेंगे, 25.5 इंची है, तो ये बटन जो फोटो है ना, ये बटन से थोड़ा 1 इंच उठ के है इसका पैकेट, तो यहाँ से हम 7 इंची पे पैकेट के लिए मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब और ये जो हमने मार्क लगाया था इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं,
यहाँ पे साढ़े नौ आ रही है, तो यहाँ पे भी 9.5 इंच रखेंगे और ये स्ट्रेट मार्क लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ तक हमारा डार्ट रहेगी, इस तरह एक बार पलट करके देख लेंगे, तो ये पलट करके यहाँ तक आएगी, देख लेते हैं। यहाँ तक इसकी बटन आ जाएगी, यहाँ तक इसकी बटन आ जाएगी। तो यहाँ से हम पैकेट का मुंह देंगे, ठीक है, तो 5 इंच कम से कम पैकेट का मुंह देंगे। तो यहाँ से 7 इंची दिए, तो यहाँ पे भी हम 7 इंची देंगे और इसको हम सीधा मार्क लगा लेंगे, ठीक है। यह हमारा 2 पैकेट आ जाएगी, क्योंकि फ़ोटो में कुछ इसी तरह है, तो फोटो ही देख के मैं अभी काम कर रहा हूँ। एक बार लेंथ नाप लेंगे, 25.5 इंची आ जाएगी। इतना मार्जिन रख करके हम इसको कट कर लेंगे। फ्रंट पल्ला को कट कर लिया, एक बार हम इसको फोल्ड करके देख लेंगे। यहाँ पे पहले हम चटका मार लेते हैं ताकि हमारा बी सेंटर मालूम पड़े कि हमारा बी सेंटर है। और ये चटका में चटका मिलाकर, और ये जो बी सेंटर का बीच चटका है यहाँ पे मिलाकर इस तरह रख करके देख लेंगे। 3 बटन यहाँ पे आ जाएगी और 3 बटन यहाँ पे आएगी। हाँ, 3 बटन यहाँ पे आएगी। तो इसमें एक काम और करना है, फोटो में कुछ इस तरह दिख रही है, इस तरह इसमें डाउन है थोड़ा, तो हम इसको डाउन करेंगे। तभी इसको हम इस तरह डाउन कर लेंगे। अब हम बैक पल्ला को कट करेंगे। ये वास्कोट बनाने के लिए आपको 90 सेंटीमीटर भी कपड़ा रहेगा तो बन जाएगा आसानी से। तो हमने 1.25 इंची को कम किया था, तो यहाँ से हम पहले सीधा मार्क लगा लेंगे बैक के लिए। थोड़ा सा हम ज़्यादा मार्जिन रखेंगे, अगर थोड़ा लेंथ कम हो गया तो बड़ा कर सकते, बाद में अगर बड़ा करना चाहे तो कर सकेंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ पे रखेंगे। तो हिप के पास 11 इंची तैयारी आएगी, तो 11 इंची तैयारी आएगी, टोटल 40 इंची है, ठीक है। तो ये 40 इंची पे मार्क लगाएंगे, तो इसी तरह यहाँ पर नाप करके देख लेंगे, 10.5 है, तो 10.5 है तो 39 इंची रहेगी। तो हम ये पल्ला को ये 39 इंची पे मार्क लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे कि ये 11 इंची आ रही है, तो 42 इंची चाहिए यहाँ पे, तो ये 42 इंची पे मार्क लगा लेंगे। ये मार्क और ये मार्क इस तरह करके
मार्ग के ऊपर कपड़ा रख लेंगे और इसको थोड़ा खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम सीधा मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा मार्क लगाएंगे। यहाँ से 3 इंची एक पॉइंट ज़्यादा रखेंगे और ये 16 इंची पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से इस तरह रख करके देख लेंगे। तो बैक का गला हम इस हिसाब से यहाँ से 1 इंची अंदर अंदर गिराएंगे। अब 1 इंची के हिसाब से इसको गोल कर लेंगे। अब इसके हिसाब से हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम सीधा कट कर लेंगे और सेम इसी तरह पल्ला को बैठा कर हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वास्कोट बन गई है, इसका स्टिचिंग भी दिखाएंगे। तो यह हमारा वीडियो कंप्लीट हो गई है। ये जो कोट के नीचे वास्कोट रहती है,